सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सत्य से आत्मसात करना परमात्मा की कृपा है, लेकिन कर्म तो मेरा है। हम आप कर्म से इतना मजबूत हैं, इतना बलवान हैं कि अगर हम कर्म को पहचान लें, कर्म का परख कर लें, कर्म को करना जान जाए, कर्म को समझना जान जाए, तो हम लक्ष्मीपति विष्णु को, मोक्षदायिनी शिव को, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला करके उनसे कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, उनसे शरीर संसार के कल्याण के लिए वरदान ले सकते हैं। फिर आप क्यों भटक रहे हैं? आप मनुष्य हैं, आपको मनुष्य देह मिला है, इस मनुष्य देह के सक्रिय करने के लिए 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सब को अनुष्ठानिक करने के लिए, इन सब को विधिवत अपने मार्ग में चलाने के लिए, काम करने के लिए मन है। मन एक ऐसा क्वांटम साइंस है, मन एक ऐसा आणविक साइंस है, मन एक ऐसा उच्च कोटि का रासायनिक विज्ञान है, मन एक उच्च कोटि का फिजिकल साइंस का जानकारी है, और मन एक उच्च कोटि का धारणा ध्यान समाधि के विज्ञान को जानने वाला है। जब मन जैसे महान शक्ति को पा करके आप क्यों भटक रहे हो, आप क्यों धाके खा रहे हो? मन के बस में करो ना, मन को अनुकूल में करो ना, परमात्मा तुम्हारे भीतर में मिल जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ उस मठ में, उस मंदिर में, शिवालय गिरजाए घर में परमात्मा नहीं है, मेरा विश्वास का परमात्मा है, मेरे विश्वास ने उसको अर्जित किया, एक कलाकार ने उसे बनाया है, लेकिन उस कलाकार में सुंदर बनाने का, सुंदर अंकित करने का, सुंदर चित्र बनाने का, स्वरूप बनाने का क्षमता है, लेकिन वह उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, उसमें जीवन नहीं दे सकता। लेकिन जो संत के हिमालय हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उस मूर्ति के बन जाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा मान शक्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, जिस मार्ग का कर दें, उत्तरी मार्ग का शक्ति कर दें, दक्षिणी मार्ग कर दें, पूर्वी मार्ग का, पश्चिमी मार्ग का, किसी मार्ग का शक्ति कर दें, लेकिन यह सब संतों में गुण है। संत जहाँ रहते हैं, मनुष्य जहाँ तपस्या कर लेता है, वहाँ उसके कण विद्यमान रहते हैं, उसका तेजस विद्यमान रहता है। संत चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे आपके पीछे अपनी क्रियाओं का, अपने बलवान, अपने मन के संकल्प का, अपने आत्मसमर्पण की व्यवस्थाओं को छोड़ जाते हैं कि हम सब उसको पूरा करें। इसलिए आज के समय में मैं आपसे कह रहा था, कहीं जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, जहाँ कहीं भी ठुक रुको रुको रुको, यू हैव टू स्टॉप। द वेरी फर्स्ट थिंग्स, ये बहुत पहली ज़रूरत है कि आपको रुकना है, ऐसे नहीं जाना, निर्देश नहीं जाना, पर्पस लेस होकर नहीं जाना है। यू हैव टू गो, यू हैव टू वॉक, यू हैव टू मूव, यू हैव टू रन, यू हैव टू जंप, बट थ्रू द मीनिंग ऑफ द लाइफ, जीवन के अर्थ को समझते हुए। जीवन क्रिया प्रधान है, जीवन शक्ति से प्रतिपादित है, जीवन इंद्रियों से प्रतिपादित है, हमारा आपका जीवन मन के बाउंड्री में है, इसके अंदर बुद्धि काम कर रही है, इसके अंदर विवेक काम कर रहा है, इसके अंदर अस्मिता काम कर रहा है। इस जीवन प्रवाह के मार्ग में आपको आत्मा का साक्षात्कार है। मन जैसा उच्च व्यक्तित्व, प्राण जैसा सूर्य की कृपा है, सब आपके भीतर में है, बट वाई नॉट आप अपने को समझ पाए? क्यों नहीं आपने अपने को समझा? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद विच वे यू आर गोइंग नाउ? तराजू के दो पलड़े की तरह, कभी इधर नीचा है, कभी इधर नीचा है, कभी ये उठ जाता है, कभी ये उठ जाता है। आप द्वंद में हो, दुविधा में हो। यू हैव नॉट टेकन ए क्लियरेंस फ्रॉम योर सेल्फ कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द एबैंडन, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स, जस्ट हियर आई एम टू रियलाइज। एक घंटे, दो घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, रात दिन बैठो, बट योर मोटिव शुड बी रियलाइजेशन ऑफ योर सेल्फ, योर मोटिव इनलाइटनमेंट योर सेल्फ, देयर विल बी लिमुलेनेशन, प्रकाश होगा और होता है। मैं कई एक वर्षों से इस हिमालय के तट पर रहता हूँ, गंगा के तट पर रहता हूँ, अनेकों नदियों के तट पर रहता हूँ,
और उन अनुभूतियों को आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं थ्योरेटिकल योगी नहीं हूँ, मुझे कथा कहने नहीं आता, मुझे प्रवचन करने नहीं आता, मैं अनुभव की बात करता हूँ। व्हाट एवर एक्सपीरियंस आई हैव गॉट टू गो इन टू द समाधि, द वे आई हैव अवेकन माई कुंडलिनी, द वे आई हैव रीच टू द गॉडलीनेस, वह सब मेरे अंदर घटी हुई प्रक्रिया है। आई हैव लेट देम हैपन, मैंने उसे होना दिया है। मैंने अपने पात्र को इतना खाली किया, मैंने अपने पात्र इतना स्वच्छ किया, मैंने अपने पात्र इतना साफ किया कि जब भी मैंने संकल्प किया किसी देव का, किसी देवी देवता का, किसी ऋषि का, किसी मुनि का, वो प्रत्यक्ष मेरे साथ बैठ करके सत्संग किए, विचार किए, अपनी कृपाएं दिए, तरीके बताए। आप घर बैठे सब कुछ पाना चाहते हो, आप घर में बैठ करके आश्रम में मठ में बैठ करके सब कुछ पा, जहाँ साधन है, जहाँ व्यवस्था है, जहाँ व्यवस्थाओं का चिंतन है, जहाँ बहुत सी सुंदर व्यवस्था है, वहाँ आपका सत्य नहीं है, वहाँ आपका मैनेजमेंट है, वहाँ आपकी बनाई हुई विधियाँ हैं, वहाँ आप सिद्ध बन करके रह सकते हैं, वहाँ आप एक अच्छे साधु बन कर रह सकते हैं, एक सत्संगी बन कर रह सकते हैं, एक कथाकार बन कर रह सकते हैं, एक संसार के व्यवस्थाओं को कथाओं को कहने वाले योगी बन कर रह सकते हैं। लेकिन योगी होना इतना आसान नहीं है। योगी इज टू बिकम ए सो हायर कॉन्शसनेस, एक योगी की इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त कर जाती है कि गो थ्रू द बॉडी, गो थ्रू द माइंड, शरीर से होकर मन तक जाता है, मन से होकर बुद्धि तक जाता है, और वहाँ से सबको छोड़ देता है। ही डोंट कैरी द माइंड, ही डोंट कैरी द बुद्धि, ही डोंट कैरी द ईगो ऑफ द सेल्फ पर्सनैलिटी, ही जस्ट ड्रॉप इट, ड्रॉपिंग एवरीथिंग, बिकमिंग ए सेल्फ। सबको अनुभव भोग करने के बाद में, प्रेम को, दोस्ती को, रिश्ता देखने के बाद में, कोई कोई साधु इससे ऊपर उठ जाते हैं। वो सीखते हैं गंगा के बहाव से, कल कल दल दल छल छल स्वर से गंगा बह रही है, रोज मैं यहाँ बैठता हूँ, चाहे आपके लिए कुछ बोलूँ चाहे ना बोलूँ, रोज मेरे साधक 4 बजे इन पत्थर के चट्टानों पर बैठते हैं। साधु हैं, संत हैं, वो इंजॉय लेते हैं, आनंद लेते हैं, सेलिब्रेट कर, दे बिकम ए सेलिब्रिटी ऑफ देयर ब्यूटीफुल लाइफ बिकॉज दे आर डूइंग ए जापा, मेडिटेशन, एवरीथिंग। मैं गंगा के ही आशीर्वाद से, गंगा माँ के ही कृपा से, मैं आपके लिए केवल साधना के लिए, नॉट फॉर द इंटरटेनमेंट। आप सोचे यहाँ आकर के समय को घूमने फिरने, मनोरंजन में बिताएं, तो नहीं, मैं ये चाहता हूँ आप ऐसे जगहों पर आकर के हफ्ते 10 दिन 20 दिन 40 दिन तक आकर के आप साधना करें। उन 40 दिन में आप शरीर के भाव को भूल जाएंगे, आप मन के भाव को भूल जाएंगे, आप आत्मदर्शी बन करके, आत्मदर्शन करके परमात्मा करीबी को प्राप्त कर सकते हैं। बट दिस विल बी योर एफर्ट, द लैंड, इस पृथ्वी पर, इस प्लानेट पर भूमि का महत्व है। ये ऋषि मुनियों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है। मैं बहुत पहले इन्हीं पत्थर के चट्टानों पर देखा है श्री राम शर्मा को सर्वेश्वरानंद के साथ बैठे हुए। मैं भी उन लोगों के साथ घंटों सत्संग किया है। वे आंदोलन बन करके राष्ट्र में गायत्री का एक आंदोलन बनकर संचालन किया, अपना काम पूरा किया, चले गए। धन्य है वो आत्मा जिन्होंने अपने काम किया, पूरा करके चले गए। लेकिन सर्वेश्वरानंद नहीं गए। उन्होंने कुछ काम नहीं करना, उन्होंने कहना है, करवाना है, उन्हें शरीर नहीं छोड़ना है, उनको जान, क्योंकि उन्होंने मनुष्य से, समाज से, व्यवस्था से एक्सपेक्टेशन नहीं किया। गंगा का बहता हुआ जल और मन का प्रवाह, मन का संकल्प, मन का विचार गति, या इन सबों में इतना शक्ति है। गंगा का जल अगर जीवन बन सकता है तो मन का विचार, मन की चिंतन, मन की धारा आपको संसार के निर्माण में, आपके शरीर की रक्षा में, आपको परमात्मा की ओर जाने का मार्ग बन सकता है। मन ही परमात्मा से मिलाएगा, मन ही शरीर का सुख देगा, मन ही संसार से दोस्ती करेगा, मन ही आपको अपना संसार बनाता है। और मन जब इसमें तृप्त हो जाता है तो मन ही गंगा के तट पर आपको लाएगा।
इससे मन को साथी बनाइए, मन का साथ रखिए, मन को साथ लेकर चलिए, मन को अनुकूल बनाइए। मन से झगड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे शास्त्र पढ़िए, चाहे कथा सुनिए, चाहे सत्संग सुनिए, चाहे प्रवचन कीजिए, चाहे प्रणाम कीजिए, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मन आपका संयमित नहीं है तो। बहुत से लोगों को कहना नहीं चाहिए, कहता हूं। हिमालय के संतों को भी मैंने भेंट किया, दर्शन किया है, संग रहा हूं। और संसार में जितने प्रसिद्ध संत हैं, कथा कहने में उन्होंने दुर्लभता को प्राप्त कर लिया है, भगवान की चर्चा करने में वो पारंगत है, लेकिन अपने ही अपने लिए नहीं, उन्होंने अपने में पारंगत प्राप्त नहीं किया है, उनका मन का अति सूक्ष्म अंग जो ज्ञान है, बुद्धि, उसने पारंगत प्राप्त किया है। उन पर सरस्वती की बुद्धि की कृपा हुई है, वे पोथी को, वेदांत को, रामायण को, गीता को रट गए हैं। वो अपने ढंग से बहुत अच्छी ऐसी मीठी मीठी रस प्रधान बातें करके हमारे को, आपको सम्मोहित कर सकते हैं। हमारे अंदर हो रही केमिकल प्रक्रिया के रसास्वादन में हमें आपको रसमय, प्रेममय, आनंदमय, वीरमय बना सकते हैं, लेकिन अपने खो जाते हैं, हमें आपको देने में खो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक व्यवस्था बना लिया है। वे अपने को व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्थाओं के दास हो गए हैं। उनमें योग्यता है, उनमें प्रगाढ़ता है कुछ देने की, कुछ करने की, अपने आप को बनाने की, लेकिन स्वयं से भेंट करने की, स्वयं के साक्षात्कार करने की, आप प्रभु से के साथ मिलने की, मिलवाने की क्षमता है माध्यम से, व्याख्या करने की, लेकिन मिलने की क्षमता नहीं है। क्यों? कि वो कॉन्सिट्रेटेड माइंड जीते हैं, वे उनका सारा बल, उनकी सारी शक्ति, उनका सब कुछ उस धारा से बह जाता है, बांटने में, देने में, कहने में। इसलिए वे शरीर से रोगी हो जाते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं और अपने को कमजोर बना लेते हैं। संसार के लोग हैं, शक्ति है, बहुत बलवान है, कोई क्रिकेट में माहिर है, कोई फुटबॉल में माहिर है, कोई हॉकी में है, कोई चेस खेलने में है, दे आर बेस्ट। हम भारत के लोग, भारतवासी देवी देवताओं, गुरुओं के उपासक हैं। हम किसी न किसी के साथ जुड़े हैं, हम किसी न किसी के साथ जुड़ करके मांगते आए हैं आशीर्वाद, उनकी कृपा, या हम किसी देवी देवता के पास मंदिर में खड़ा होकर परीक्षा से पहले, किसी काम को करने से पहले जा करके अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आवेदन करते हैं। यह हमारी संस्कार है, हमारी मिट्टी में, भारत भूमि में, हमारे शरीर में, हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में ये देन है। लेकिन बहुत कम, जितनी एनर्जी उन्होंने उस काम को करने में लगाया है, जितने अपने शारीरिक, मानसिक और प्राणिक ऊर्जा को उस काम को करने में लगा, सफलता प्राप्त किया है, उसका थोड़ा सा अंश भी अपने लिए नहीं देते। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, विशाल भवन है, गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, विमान के सफर कर रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छे मित्र, अति सभ्यता है, लेकिन उनका मन उनके साथ नहीं है, उनका मन प्रभु के साथ नहीं ले जाता। क्यों? संस्कार नहीं बनाए गए। वे दान देते हैं, ऐसी बात नहीं है, विशाल विशाल मठ मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के मंदिर बनाते हैं, अपने टाइप के आश्रम बनाते हैं, अपने टाइप के संत महात्माओं को खोज करके उनको हाँ अपनी पूजा पाठ में लगवाते हैं, कमी नहीं है, लेकिन क्या कमी है? दे आर वेरी फार अवे, वो अपने आप से बहुत दूर हो चुके हैं, वो इतनी दूर यात्रा कर चुके हैं कि लौटना चाहे भी तो समय उनका साथ नहीं देता। इसलिए मैं ठहरने की बात करता हूँ। व्हाट एवर यू हैव अचीव, जो कुछ भी, मैं जितना सफलता आप प्राप्त किए हो, आप ठहरो, यू हैव टू स्टॉप, पड़ाव डालो, रुको, ठहरो, उसमें सफलता तुम्हें मिलेगी जो कर रहे हो, लेकिन अपने को भी जानो। नो यू, नॉट अबाउट यू, नॉट अबाउट योर नेम, नॉट अबाउट योर पर्सनालिटी, नॉट अबाउट योर फेमस, स्वर्ग मान प्रतिष्ठा को जानने की जरूरत नहीं, ये तो हमें आपको मिल ही जाता है। हमें स्वयं को जानना है, स्वयं को जो जानता है
वो परमात्मा के संग रहता है। स्वयं को जो जानता है संसार के सभी सुखों में वह सुखी है। जो आनंद दुनिया के संपूर्ण संपदा को प्राप्त करने में, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को प्राइम मिनिस्टर, राजा बनने में नहीं मिलता होगा, वह आनंद एक योगी को अपने समाधि में बैठकर मिलता है, क्योंकि वह परमात्मा के साथ हो लेता है। वह जब समाधि में बैठता है तो परमात्मा का संग हो लेता, वो होता नहीं, उसकी आत्मा परुषे को प्राप्त कर जाती है। उस परुषे को नहीं, शारीरिक मानसिक बल की परुषे को नहीं, उस पुरुषत्व को जिसे हम आप ब्रह्मन कहते हैं, जिसे हम आप सत्य चिद आनंद कहते हैं, जिसे हम आप सुपर कॉन्शसनेस कहते हैं, विच गिव्स यू द इनलाइटनमेंट, जो आपको प्रकाशित करता है, आपको इल्यूमिनेट करता है, जो आपको प्रभु का सानिध्य दिलाता है। यह हर किसी में संभव है। गंगा के तट पर बैठ कर कर सकते हैं, या अपने घर में बैठ कर कुटिया में कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वास्तव गंगा आपके घर में आ सकती है मन जब आपको पवित्र है तब, नहीं तो गंगा के तट पर अगर ऐसा नहीं होता, गंगा की महानता नहीं होती, हिमालय का महानता नहीं होता, तो आज हिमालय में हजारों लाखों साधु महात्मा लोग निवस्त्र हो करके भौतिक शरीर की मूल्यांकन को छोड़ करके अपने सूक्ष्म जगत में बैठे हुए अपने मग्न हैं, गहराई में डूबे हुए हैं, समाधि के गहराई में बैठ करके हमारे आपके लिए शिव की तरह सदियों से तपस्या कर रहे हैं कि विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, सुखी सुख पाए। लेकिन आपकी क्रियाकलापें, आपकी व्यवस्थाएं उस चीज को रिसीव नहीं कर पाती। आप अपने में इतना घिरे हुए हैं, आपने ऐसी चार दीवारी बना रखी है, अपने घर की चार दीवारी, अपने मन की चार दीवारी, अपने बुद्धि की चार दीवारी, अपने प्राप्त अहंकार, आप अपने अनेकों चार दीवारियों के बीच में, बाउंड्री के बीच में घेर लिए हैं कि वह चिंतन, वह प्रवाह यूं ही यहाँ से चल करके हिमालय चल करके सागर तक जाता है, सागर से लौट करके फिर आपको हिमालय तक आता है। आप प्रतीक्षा करते रह जाते अज्ञान का अलख जलाते हुए महायोगी पायलट बाबा जी जैसी अद्भुत शक्ति आपके हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच है। बस जरूरत है तो हमें और आपको उनकी ओर कदम बढ़ाने की। बाबा जी से संपर्क का पता है महायोगी पायलट बाबा आश्रम, A65 पंचवटी अपार्टमेंट, विकासपुरी, न्यू दिल्ली, फोन 011-28-53-411-0। महायोगी पायलट बाबा आश्रम, तल्ला गेटिया, नैनीताल, उत्तरांचल, फोन 059-42-22-4026। और महायोगी पायलट बाबा आश्रम, दक्ष रोड, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तरांचल, फोन 01-334-24-5868।